अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अपने ताजे बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा कानून बनाएंगे कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्न, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा और बैंक से लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। यदि फिर भी वो बच्चा पैदा करना बंद नहीं करेगा तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तोगड़िया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान संशोधन करवाएंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डीएम, एसपी और जज हिंदू के अलावा कोई और ना बन सके। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यह बयान गुरुवार देर रात नर्मदापुरम में दिया। वे यहां हिंदू साथी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन द्वारा करोड़ों हिंदुओं के लिए समृद्धि, सेवा, सम्मान, सहयोग, संस्कार की व्यवस्था देश में 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी। तोगड़िया ने कहा कि न कोई बैन लगाने वाला है और न ही लगने वाला है, यह तो कर्नाटक का चुनाव था। मतदाताओं को खुश करने के लिए नूरा कुश्ती चला रहे थे। हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे, संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे।